लाइफ में सपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो सपने होते हैं जो आप लोग रजाई तान कर सोते हुए देखते हैं, मुंगेरी लाल के सपने बोला जाता है उनको, और दूसरे सपने वो होते हैं जिनको आप लोग अपना गोल बोलते हैं और वो आप लोगों को ढंग से सोने नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये, अगर ये सेकंड वाले सपने की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये हमेशा आप लोगों को इतना एनर्जेटिक रखेंगे, आप लोग हमेशा इनके बारे में सोचते रहेंगे, हमेशा ये सीखते रहेंगे क्या ऐसा काम किया जाए कि हम अपने सपने को अचीव कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए। ये हमेशा आप लोगों के अंदर एक एनर्जी फूंक कर रखेंगे, ये वाला सपना आप लोगों को हमेशा एक इस तरीके लेवल पर रखेगा कि आप लोग कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और ये वाला सपना अगर देखेंगे, जब तक देखेंगे तब तक मजे में रहेंगे, जैसे ही आंख खुलेगी तो फिर से यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बस एक रजाई और आपकी तन्हाई। तो आप लोगों को खुद डिसाइड करना है अब कौन सा सपना आप लोगों को देखना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, प्रॉब्लम के बिना लाइफ में किसी को नहीं मिलता। अगर इतनी आसान होती चीजें तो हर एक इंसान इनको कर रहा होता है। कुछ तो आप लोगों को कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कर ही आप लोग अपने सपने तक पहुंच पाएंगे। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन से वाला सपना आप लोगों को देखना है। अगर नॉर्मल इंसान की बात करें, उसके ये कहते हैं कि उसका सपना बदल गया, किसी ने उसको बोल दिया, कभी भी वो आपका सपना था ही नहीं। अगर किसी के बोलने पर आपका सपना या आपका गोल बदल गया, इसका मतलब वो छोटी सी इच्छा थी जो आप लोगों के मन में उभर आई थी, वो भी किसी चीज को देखकर, इसलिए वो कभी भी आपका सपना नहीं हो सकता। सपना तो ऐसा होगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप लोगों को जो अचीव करना है वो करना ही करना है, वो होता है असली सपना। तो प्लीज, आपका असली सपना क्या है वो आप लोगों को, वो आप लोग खोजना है और उस पर काम करना है शानदार तरीके से। आज अब 12 अक्टूबर देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को नैनो मैगजीन में डिस्कस करना है। पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर के आर्टिकल काफी कुछ शानदार हमारा यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है। पर सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। तो जो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डे है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड साइट डे के बारे में। ये वर्ल्ड साइट डे यहाँ पर अभी जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट थोड़ी ये है कि ये सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि हर अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब की बार जो अक्टूबर का सेकंड थर्सडे कब था, ये था कल, यानी कि 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया गया। तो ये है वर्ल्ड साइट डे। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में जिनको दिखता नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कम दिखता है, उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी के बारे में अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई जाती है। जो यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था एक कंपेन, यहाँ पर ये साइट फर्स्ट कंपेन ये स्टार्ट किया गया था एक लोयन क्लब इंटरनेशनल के द्वारा 2000 में। तब से लेके अब तक का यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर। इस बार की जो थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आई केयर एवरीवेयर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और 2017 की भी आप लोगों के सामने मेक विजन काउंट, तो दोनों ही थीम काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर फोकस दिया जाए हमारी सोसाइटी में। बहुत सारा तबका ऐसा होता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके से हम लोग उनको अपनी सोसाइटी में इंक्लूड करके उनके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई केयर एवरीवेयर, ये तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। और देखिए एक बात और है यहाँ पर, अगर आप लोग कभी रोड क्रॉस कर रहे हैं और कोई ऐसा इंसान है जिसको दिख नहीं रहा है, आप लोग बस में जा रहे हैं या कहीं पर ऐसी पब्लिक प्लेस पर आप लोग कोई इंसान दिखता है, तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का एक दो मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर सामने वाले का बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये कम से कम आप लोगों की ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, आइए एक और दिन के बारे में डिस्कस करते हैं जो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 12 अक्टूबर को। यह है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। इसका मतलब होता है गठिया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक पर्सन को कि गठिया बाय हो रखी है, या फिर कोई भी इसी तरह गठिया का दर्द हो रखा है उसको, तो ये नॉर्मली एज के साथ भी आप लोगों को देखने को मिलता है। जिस तरीके से जो जॉइंट होते हैं, अलग अलग पोर्शन जो बॉडी में अलग अलग जॉइंट देखने को मिलेंगे, वहां पर आप लोगों को पेन नजर आएगा जहां जहां पर भी जॉइंट होंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर जो थीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने गोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार बात बोली गई है, इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। ये आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को एक्शन लेना है, और ये हर एक जगह आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी काम करना आप लोगों को एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। लाइफ में कुछ भी करना आप लोगों को आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। जो नॉर्मल लाइफ आप लोग जी रहे हैं, अगर उसी लाइफ से जीते रहेंगे तो आज तक वही मिला है जो आज तक मिलेगा, और आगे भी वही मिलता रहेगा। और अगर आप लोग इसको चेंज करके चलेंगे तो फिर आप लोग कुछ चेंज मिलेगा। पर लेकिन अगर आप लोग डे बाय डे का शेड्यूल सोच रहे हैं कि हाँ मॉर्निंग में जिस टाइम उठना है उसी टाइम उठते रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, तो नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग जल्दी उठोगे तो एक बड़ा दिन आप लोगों को मिलेगा और अच्छे से आप लोग लाइफ को सेटल कर पाओगे। ओके, तो ये आप लोगों के हाथ में, अब आप लोगों को क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एशियन गेम चल रहे हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पर पैरा गेम जो चल रहे हैं, तो हमारी जो रैंक है यहाँ पर थोड़ी सी डाउन हो गई है। कल यहाँ पर 8 पर थी, आज 9 पर पहुंच गई है। तो ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर मेडल टैली में हम लोग यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, 50 हमारे हो गए हैं, 8 गोल्ड है, ये 17 सिल्वर है, और 25 यहाँ पर टोटल मिलाकर ब्रॉन्ज मेडल है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो गोल्ड है ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनको आप लोग याद रख सकते हैं जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे। और यहाँ पर ये है आप लोगों के सामने टोटल हमारा खाका जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी अचीव किया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अब नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि काफी इंपोर्टेंट न्यूज है। तो जो फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है, हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी 17th काउंसिल ऑफ हेड की गवर्नमेंट मीटिंग है, किसकी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये कहां पर हो रही है, दुशानबे तजाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आइए दुशानबे लेके चलता हूं आप लोगों को सुषमा स्वराज जी से, पहले मैं आप लोगों को दुशानबे पहुंचाता हूं मॉर्निंग में जो मॉर्निंग में देख रहे हैं मॉर्निंग में, और जो इवनिंग में देख रहे हैं वो लेट हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो कहां पर जाना था हम लोगों को, कौन सी कंट्री थी यहां पर, ये कंट्री का नाम जरूर याद रखिएगा, तजाकिस्तान, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंट्री है ये, तान मैं आप लोगों को पहले भी याद दिला चुका हूं, और यहां पर यह है दुशानबे। ओके अब देखते हैं थोड़ा, ठीक है, ये हो गया तजाकिस्तान। यहां पर आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ये अफगानिस्तान के साथ में कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है यहां पर, और खासकर पाकिस्तान आप लोग यहां पर देखते हैं, और हमारी कंट्री के साथ में टच करता हुआ जरा जरा सा रुक जाता है, यानी कि टच नहीं करता है। और दुशानबे जो है यहां पर, ये क्या है, ये इसकी कैपिटल भी है, ये आप लोग देखते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया दुशानबे का यहां पर, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब कहीं किसके लिए जा रहे हैं यहां पर, ये है 70वीं ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसके बारे में बात की जा रही है। अब थोड़ा जानते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर ये है क्या। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था 2001 में जब इसको बनाया गया था। ये फोकस देकर चलती है म्यूचुअल सिक्योरिटी और इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर हेडक्वार्टर जो इसका है ये आप लोगों को बीजिंग में देखने को मिलेगा, और टोटल आज की डेट में यहां पर 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन कौन से हैं, ये है चाइना, देखिए पहले आप लोगों को ये कंट्री बताता हूं आज की डेट में, यहां पर रिसेंटली अभी 2017 में दो कंट्री और ऐड हुई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले यहां पर 6 मेंबर थे, ठीक है। तो दो कंट्री कौन कौन सी ऐड हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ में यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुए हैं। इससे पहले यहां पर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये कंट्री थी, पर इंडिया और पाकिस्तान के साथ मिलने से यहां पर टोटल मिला के आज के डेट में 8 मेंबर हो गए हैं। 4 ऑब्जर्वर हैं जहां पर मीटिंग इसके अटेंड करते हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जल्दी इसके मेंबर बन जाए। ये कौन कौन है, एक तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। तो यहां पर ईरान को तो काफी जल्दी से ऐड करने की बात की जा रही है, खासकर जब से यूएसए के द्वारा बोला गया कि हम लोग इनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, तब से बार बार बात आ रही है कि ईरान को तो इसके साथ में ऐड कर ही देना चाहिए। तो ये भी बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बातें यहां पर याद रखते हैं, वो है यहां पर लैंग्वेज, रशियन और चाइनीज लैंग्वेज यहां पर नॉर्मली यूज की जाती है। ओके तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और इंडिया पार्टनर बन चुका है इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों को इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। कुछ बात इसकी समिट के बारे में कर लेते हैं, जो क्वेश्चन काफी आसानी से पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो जो इसकी मीटिंग जो समिट हुई थी ये चाइना में हुई थी 2018 की, 2019 की ये आप लोग किर्गिस्तान में देखने को मिलेगी, और 2020 की ये आप लोगों को रशिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स होगा आने वाले टाइम में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ये कुछ मोटी मोटी बातें। अच्छा चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, आप लोग ये बताइए कि जो इंडिया और पाकिस्तान यहां पर मेंबर बने हैं इसके, वो कौन सी समिट के ड्यूरेशन में बने हैं, ठीक है, वो कहां पर हुई है, ठीक है। कहने का मतलब यह है आप लोगों को जाकर सर्च करना है कि किस समिट के ड्यूरेशन में यहां पर हम लोगों को एडमिट किया गया एज ए मेंबर। ओके तो ये आंसर आप लोग दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते हैं यहां पर, अगर मान लीजिए यहां पर कोई एक ये वाली यहां पर एक ये इधर है कोई, और यहां पर एक ये लैंड इधर है, ठीक है, और यहां बीच में आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी जो कि ऐसे बहती है। अगर यहां से आप लोगों को इस वाले एरिया में जाना है, ठीक है, और यहां से इस वाले एरिया में जाना है, तो ये रोरो सर्विस इसको बोलते हैं, ठीक है। रोरो सर्विस का मतलब क्या है, ये कितना बड़ा जहाज रहता है जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ियां या ट्रक वगैरह जो भी सामान होता है ये एक लैंड मास से लेते आता है और दूसरे लैंड मास पर ले जाके छोड़ देता है। यानी कि आप लोग अपनी खुद की ही गाड़ी में बैठे बैठे यहां पर आप लोग को जहाज पे बैठा के ये गाड़ी रख के लेके आ जाएगा और आप लोग दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर यहां पर ध्यान दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं रोरो सर्विस, याद रखिएगा। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोलैबोरेट किया गया आसाम गवर्नमेंट के साथ में मिलकर इसको रोल ऑन रोल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा रोल ऑन रोल ऑफ ये सर्विस बोला जाता है, यानी कि एक जगह से भरना है दूसरी जगह पे उतार देना जाके, और शॉर्ट फॉर्म में इसको रोरो फैसिलिटी भी बोला जाता है। ये कनेक्टिविटी बनाने की बात की गई है, ये मजलू आइलैंड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। लोकेशन आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग यहां पर कनेक्टिविटी बना सके। तो यहां पर ये देखते हैं, ये हो गया यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर, इधर साइड में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और यहां पर ये है मजले आइलैंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये हमारी कंट्री का, और कई बार न्यूज में भी रहता है भूस्खलन की वजह से, यानी कि यहां पर जो इस आइलैंड का जो एरिया है वो छोटा होता हुआ जा रहा है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो काफी मिट्टी यहां से काट कर ले जाती है, तो इसलिए भी न्यूज में रहता है। तो क्या है ये रोरो सर्विस, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं यहां पर, मलेशिया गवर्नमेंट के द्वारा, मलेशिया कंट्री के द्वारा अबोलिश कर दिया गया है डेथ पेनल्टी, यानी कि जो यहां पर ये एक तरीके से इस तरीके की सजा
सजा दी जाती थी फांसी वगैरह की, ये सारी जो सजाएं अब यहां पर नहीं दी जाएगी। कोई कितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना करे, पर लेकिन अब डेथ पेनल्टी यहां पर नहीं दी जाएगी, यानी कि उस इंसान को अब मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ये स्टेटमेंट लिया गया है मलेशिया आइलैंड के द्वारा, मलेशिया कंट्री के द्वारा। इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड कई बार इसके ऊपर बात होती है, डिस्कशन होता है कि इस पर एक और फोकस देकर चलना चाहिए डेथ पेनल्टी वगैरह के ऊपर, पर लेकिन अभी यहां पर हमारी कंट्री में रेयर एंड रेयर केस में अगर कोई ऐसी हरकतें होती हैं, जैसे आप लोग देखते हैं अभी कई सारे स्टेट्स ने यहां पर अलाउ किया है कि अगर 12 साल से नीचे की बच्ची का रेप किया जाता है तो वहां पर उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस तरीके की अगर रेयर एंड रेयर केस है तो हमारी कंट्री में फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये की जा रही है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने भी देख सकते हैं यहां पर एक कंट्री है, यहां पर ये है मलेशिया, जिसने अभी हटा दिया डेथ पेनल्टी। और नेक्स्ट यहां पर है बांग्लादेश, बांग्लादेश ने यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया 19 लोगों को। क्या किया था इन्होंने, 19 लोगों में से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग ये फॉर्मर होम मिनिस्टर भी है, यहां पर डिप्टी होम मिनिस्टर जिन्होंने यहां पर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना उनको मारने का एसेसिनेट करने का एक पूरा प्लान तैयार किया था, ठीक है। तो ये इसलिए यहां पर ये इस तरीके की एक्टिविटी की गई है, हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जो स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये किया गया था कब, 1700। हम मैंने कल आप लोगों को एक लेक्चर भी दिया था जिसमें मैंने IPCC के बारे में पढ़ाया, ठीक है। कल शाम को एक लेक्चर आया था, जिस किसी ने नहीं देखा आप लोग जाकर देखते हैं, नीचे लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से यहां पर आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो आप लोग कंट्रोल करना है, यानी कि 1.5 प्लस यहां पर होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेके आज तक का। तो ये बातें हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस की है, ये सारी रिपोर्ट वगैरह क्या होती है, पहले क्या था, अब क्या हो गया है, क्या खतरा है, यहां पर तमाम बातें यहां पर डिस्कस की गई है। तो इसी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है। ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ये पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में देखने को मिला, फिर आगे चल के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर आया एक जो एक्स्ट्रा स्टेज थी, ये थी इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर जो काम हो रहा था ये कहीं ना कहीं भाप के इंजन वगैरह यूज किए जा रहे थे, इस तरीके की एक्टिविटी पर यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ने काम कर दिया। तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलाते हैं जो कंप्यूटर आया लाइफ में, ठीक है। कंप्यूटर आप लोगों को 90s की एज में देखने को मिलेगा, उस टाइम पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो राजीव गांधी जी थे, बहुत लार्ज स्केल पर उन्होंने फोकस दिया, काफी क्रिटिसिज्म भी किया गया था, बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था पर इन्होंने बोला कि आ जाएगा आराम आराम से यूज कीजिए। ये भी कई बार आशंका निकल के आई थी कि बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, पर लेकिन आज के में देखते हैं हर गली के नुक्कड़ के चौराहे पर आप लोगों को कंप्यूटर की दुकान मिल जाएगी। तो जॉब गई नहीं, जॉब और ज्यादा आ गई, बस ये है कि थोड़ा स्किल्ड जॉब अब आई जो कि पहले नॉर्मल जॉब हुआ करती थी। अब बात की जा रही है नेक्स्ट जो रिवॉल्यूशन आ रहा है यहां पर, यह है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और यहां पर बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में। इसके अलावा आप लोगों को कई सारी और चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑटोमेटिक व्हीकल, यानी कि आप लोगों को पता है कि ऐसी कार भी आने की बात कर रही है रिसेंटली अभी कि आप लोगों को ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्राइवर लेस कार, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो कहने का 3D प्रिंटिंग आप लोग यहां पर देखते हैं, बायोटेक, ये सारी रोबोटिक्स। तो ये वाला जो यहां पर फेज है इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट फेज ऑफ द टेक्नोलॉजी आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोला जा रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसी का लॉन्च किया गया हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कहां से ये लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात निकल के आ रही है वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा USA से और चाइना से बोला गया कि भैया जो आप लोगों ने ये टांग लड़ाना एक दूसरे के साथ में स्टार्ट कर रखा है इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने को मिलेगा। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, तो इसको बंद कर दीजिए। हमारी कंट्री की डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विजिट पर है फ्रांस की, तो देखते हैं यहां पर किस तरीके से चीजों का सोल्यूशन निकाल जाएगा। रफेल डील को लेकर काफी चर्चाओं में है आज की डेट में ये भी, और पूरा यहां पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री के इर्द गिर्द, तो देखते हैं कैसे ये शांत होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि क्या आप लोगों ने इनका प्राइस किया है, क्या क्या बातें हैं, ये सारा एक बंद लिफाफे में आप लोग हमारे सामने रखो, हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूथ ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें सौरभ चौधरी के द्वारा ये गोल्ड जीता गया है। ये शानदार प्लेयर है यार, जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किए एशियन गेम से, फिर आगे फिर बड़ा, अब जी इसके द्वारा ये तीसरा गोल्ड है रिसेंटली, अभी देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ये बंदा खेल रहा है, ठीक है। तो ब्रुनेइज एरिस में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 2020 का जो यूथ ओलंपिक चल रहा है। लोकेशन आप लोगों को यहां पर एक बार दिखा देता हूं, ये है अर्जेंटीना और यहां पर ये देख सकते हैं, ठीक है, ब्रुनेइज एरिस, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर ये चल रहा है, इसको आप लोग हल्का सा याद रखिएगा, ये लोकेशन है आप लोगों के सामने, ओके। थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं कौन सा है, ये है साउथ अमेरिका में, ये ऊपर हो गया नॉर्थ अमेरिका, और जूम आउट कर लेते हैं, ये देखिए अब आप लोग देख पाएंगे ढंग से, ठीक है। और ये तो आप लोग जानते हैं पर्टिकुलर एरिया जो मैं अभी आप लोगों को दिखाता, ये है आइलैंड मजुली, ठीक है, आसाम में पड़ता है, याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
काफी अच्छे से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए। पहली पर्सनैलिटी है यहाँ पर, ये है सुमित ठाकुर, और दूसरे यहाँ पर ये संतोष थोलिया। तो काफी अच्छे से आंसर दिए गए, आप भी इसी तरीके से आंसर दिए और आप लोगों का भी नाम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या क्या थे। अटोर्नी जनरल पूछा था, यह केकू, यह केके केकू यह के वेणुगोपाल, ठीक है। तो 15वें अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडियन का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 25 जनवरी जो है नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये थे यहाँ पर सुकुमार सेन, ये 1950 से 1958 तक रहे। आज की डेट के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 22वें है, जिनका नाम है ओपी सिंह रावत, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था, अगर किसी गांव को बोला जाता है कि इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर गांव के एरिया में 10% वहां पर जो एरिया है खासकर वो बात करते हैं, उसमें स्कूल है और इसके अलावा पंचायत घर है, इसके अलावा कोई हॉस्पिटल्स वगैरह है, अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है 10% एरिया में टोटल मिलाकर, उसमें मेन क्या होना चाहिए, स्कूल वगैरह पंचायत घर इनमें जरूर होना चाहिए। वो अगर उस गांव में 10% एरिया में इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड विलेज माना जाएगा। ये डेफिनेशन है जो कि काफी गंदी डेफिनेशन लगी मुझे। अब देखिए जिस इसके बेस पर बोला जाता है बार बार कि हाँ हमारा ये एरिया इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, इस वाले एरिया में बिजली आ चुकी है, तो समझ सकते हैं 90% लोगों को तलेंडी में जाएं और ओनली 10% लोगों के बारे में ये बात बोली जा रही है। बाकी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो यहां पर देख सकते हैं ICMR इसको बोला जाता है। गठन किया गया था 1911 में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात देखेंगे यहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। आज के डेट में जो डायरेक्टर जनरल है ये है डॉक्टर बलराम भार्गव, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार न्यूज में भी है, तो क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो पहली खबर निकल कर आ रही है ये MOU, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं दो कंट्री के बीच में, एक साइड में इंडिया और दूसरा है रोमानिया। इंडिया और रोमानिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है टूरिज्म सेक्टर को लेके, ठीक है। तो जो टूरिज्म एक्टिविटी है, आप लोग भी टूरिस्ट बनकर अलग अलग एरिया में विजिट करने जाते हैं, अपनी कंट्री में भी घूमते हैं और कई बार बाहर की कंट्री में भी जाते हैं, तो इसी को यहां पर बोलते हैं टूरिस्ट एक्टिविटी। तो टूरिज्म की एक्टिविटी में अभी सेप्टेम्बर में आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट रोमानिया की विजिट पर थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा, ओके। तो उस टाइम पर यहां पर जो बात की गई थी, तो उसी को यहां पर अभी जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा यहां पर इसको अप्रूवल दे दिया गया, ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है उसको बढ़ाया जा सके, टूरिस्ट एक्टिविटी यहां पर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाया जा सके। खासकर इससे काफी एरिया भी आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे, प्रमोशन, मार्केटिंग, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सारे एरिया में फोकस दिया जाएगा। एम क्या रहता है, एम यही रहता है किस तरीके से हम लोग एक दूसरे की टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और खासकर फिल्म जो टूरिज्म है उसको भी यहां पर बढ़ोतरी दे सकते हैं। आप लोगों को देखने को मिला कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जब यहाँ पर कोई मूवी आप लोग देखते हैं, अलग अलग एरिया से लोग जाते हैं अलग अलग एरिया में शूटिंग करने के लिए, तो भी इसी का पार्ट आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। रोमानिया से अगर देखें तो हमारी कंट्री में आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे कितने 11,844 लोग 2017 में विजिट करने आए ओनली सिंगल कंट्री से, तो अच्छा खासा आप लोग इसको नंबर बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है और भी ज्यादा लोग विजिट करने आए, तो ये हम लोग को एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा ऐसा। आइए एक बार कंट्री भी निहार लेते हैं कहां पर है, ये है रोमानिया जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो ये है यहां पर, ये थोड़ा और जूम करके इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ये देखिए ब्लैक सी के साथ में यहां पर ये कनेक्टेड रोमानिया कंट्री, ठीक है। नीचे बुल्गेरिया हो गया, तो ये कुछ कंट्री आप लोग याद रख सकते हैं आसपास की। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं आप लोग और थोड़ा अच्छे से निहार सके इसको, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, बात की जा रही है परमानेंट कैंपस ऑफ IISER, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसके परमानेंट कैंपस बनाने की बात की जा रही है, कहां पर, एक तो है तिरुपति आंध्र प्रदेश और दूसरा यहां पर यह बैरमपुर कहां पर उड़ीसा में। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में परमानेंट कैंपस बनाने की बात की जा रही है, स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, किसके बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हल्की सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर बात करें ये इंस्टीट्यूट जो क्रिएट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2010 के तहत ये बनाए गए थे, अमेंडमेंट करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2007 में जब ये क्रिएट किए गए थे, ओके। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो ये परमानेंट आप लोग कैंपस देखने को मिलेंगे। वैसे कई सारे एरिया में और भी स्टेब्लिश इनको किया गया अलग अलग एरिया में, पर परमानेंट कैंपस आप लोग यहां पर इनके अभी रिसेंटली देख सकते हैं। टोटल कॉस्ट बात की गई यहां पर, ये 3,074 करोड़ आप रुपए यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर इनको यहां पर ये पैसे वगैरह इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये याद रखते हैं कि कंप्लीट किया जाएगा इनको 2021 तक, तो सारी वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी आप लोग यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ये टोटल कॉस्ट यहां पर याद रखते हैं, वैसे अलग अलग भी बताई गई है, ये मोटा मोटा आप लोग याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें हैं यहाँ पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। पहली तो बात की जा रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है।
तो ये 1951 आप लोग यहां पर याद रखिएगा। बात की जा रही है यहां पर अभी रिसेंटली बाई इलेक्शन के बारे में। अगर बाई इलेक्शन के बारे में आप लोगों से पूछे तो क्या होते हैं बाई इलेक्शन, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए एक तो होते हैं नॉर्मल इलेक्शन, आप लोग देखते हैं असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, और अभी 5 स्टेट में इलेक्शन की बात की जा रही है, या फिर जनरल इलेक्शन देखते हैं। जो ये 5 साल का टाइम पीरियड होता है, उस 5 साल के टाइम पीरियड में जिस दिन यहां पर 2014 के इलेक्शन हुए थे और यहां पर 3 जून 2019 तक ये जो 16th लोकसभा इसका टाइम कंप्लीट होगा, इसके बीच में अगर कोई रिजिग्नेशन दे देता है, किसी इंसान की डेथ हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो यहां पर वो फिर वो सीट खाली हो जाती है। जैसे जयललिता जी की डेथ हुई थी तो सीट खाली होगी, फिर वहां पर इलेक्शन देखने को मिले। इसी तरीके इलेक्शन को बोलते हैं बाई इलेक्शन, ठीक है। तो ये जो बाई इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इन्हीं बाई इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा और कर्नाटक में लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस दिन ये सीट खाली हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये यहां पर बाई इलेक्शन कराने होते हैं, उस एरिया की जो भी सीट है उसकी वैकेंसी को भरने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं। और पूरा प्रोसीजर यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसके तहत यहां पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाता है जो कि 1951 है। ओके आगे बढ़ते हैं, बाकी ये छोटी सी न्यूज कंटिन्यूअस में आप लोगों के लिए, राज्य के लिए। हालांकि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, ये स्टेट आप लोगों को नहीं भूलने हैं। अगर आप लोगों को ये कोई क्वेश्चन ही पूछा जाए कि रिसेंटली अभी किन इन स्टेट में यहाँ पर अनाउंस किया गया है इलेक्शन, वो याद रखिएगा, या फिर इलेक्शन होने के बाद भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है रिसेंटली कौन कौन से इलेक्शन, कौन कौन से स्टेट में अभी इलेक्शन हुए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है यहाँ पर, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली 6 अक्टूबर से यहाँ पर लग गया है। और स्टेट कौन से है, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और इसके अलावा तेलंगाना क्या, तो अभी टाइम पीरियड बचा हुआ था पर लेकिन इन्होंने भी अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो यहां पर भी अभी इसी के साथ में इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो देखते हैं किस किस तरीके से यहां पर अभी क्या क्या, कौन कौन सी गवर्नमेंट जीत कर आती है, वो आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है यहाँ पर, ये डिफेंस से निकल कर आ रही है, बात की जा रही है शानदार यहाँ पर, यह है अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगी, आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली अभी यहाँ पर ये टेस्ट किया गया है, कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR बालासोर उड़ीसा में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ट्रायल किया गया है। और इसी के साथ में अभी आने वाले टाइम में 2019 में कई सारे ऐसे ट्रायल हो चुके हैं, अब इसको जो टेस्ट किए जा रहे हैं इसको इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, मतलब इसको आने वाले टाइम में इंडक्शन किया जाएगा इसको सर्विसेज में, जो भी यहां पर सर्विसेज है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं, अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको BVRAAM भी बोला जा रहा है, ये अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को हमारी जो फोर्सेज है उसमें आप लोगों को इसका यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, आइए किताब के बारे में जानते हैं। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बुक है, इसका नाम आप लोग याद रखेगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द एमरेल्ड टाइगर। एमरेल्ड होता है एक तरीके का हीरा, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर का आप लोग इसको हीरा देख सकते हैं, इसको बोला जाता है एमरेल्ड। तो इसी के नाम पर यहाँ पर रखा गया है द राइज एंड द फॉल ऑफ द एमरेल्ड टाइगर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये है रघु चुंदावत जिनके द्वारा ये लिखी गई है किताब, ये एक बायोलॉजिस्ट है और यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व बिटवीन 1996 से और 2006 तक का जो इनकी रिसर्च है उसके ऊपर यहाँ पर ये बातें लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताएगी पन्ना टाइगर रिजर्व में क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर होती है और किस तरीके से यहाँ पर जो टाइगर वगैरह होते हैं उनकी क्या हालत है यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों को पता है काफी न्यूज में भी रहते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर हमारी कंट्री में कब स्टार्ट किया गया था और उस टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज आप लोगों का जो पॉलिटिकल रिवीजन है, ये प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप और किस तरीके से ये काम करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी बोला जाता है, वेस्टेड ग्रुप भी बोला जाता है, अलग अलग नाम से इसी ग्रुप को पुकारा जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोगों को इसका आंसर देना है, क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं आज के वन लाइनर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर रिवीजन भी हो जाता है और आप लोग कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा UIDAI जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो आधार कार्ड है अभी यहां पर आप लोग इसको एक तरीके से ऑथेंटिकेशन अगर कराना है, मतलब पता चलाना है, पहले फिंगरप्रिंट यूज करते थे, आंखों की स्कैन यूज करते थे, अब पूरा फेशियल एक्सप्रेशन भी यहां पर स्कैन करके आप लोग इसको ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। UIDAI का गठन कब किया गया था ये बताइए आप लोग। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह है फैबलेस चिप डिजाइन इनकम्बेटर, जिसको फैब CI बोला गया है। यह है एक तरीके की चिप जो डिजाइन की गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डिजाइन की गई है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा यहां पर ये लॉन्च की गई है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं डिजाइन की गई है। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा यहां पर अभी लॉन्च किया गया नेशनल इलेक्ट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको बोला जा रहा है नेता,
ये एक तरीके का मोबाइल ऐप है जो आप लोगों को पता लगाएगा आप लोगों के एरिया में कौन सा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो पॉलिटिशियन है जिसके लिए आप लोग वोट डालते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा, और आप लोगों को रिव्यू करना होगा उसको कि कितना आप लोग इसको स्टार देते हैं। जिस तरीके से आप देखते नहीं है फेसबुक जो पेज है यहाँ पर स्टडी लवर के, आप लोग देखेंगे या फिर वीर तारियान के फेसबुक पर, तो रेट देने की बात होती है, मतलब वहां पर स्टार देने की बात होती है। अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा पढ़ाया है तो आप लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, 5 स्टार जाकर दे सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप लोग 1 स्टार भी दे सकते हैं, 2 स्टार भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से रेटिंग जिस तरीके से आप लोग पेजेस पर करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यू भी लिखते हैं वहां पर, सारे रिव्यू पढ़ता हूं मैं, ठीक है। रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है पर रिव्यू मैंने आप लोगों के सारे पढ़े, जो शानदार शानदार तरीके से आप लोगों ने चीजें लिखी वहां पर, काफी मोटिवेशन मिलता है उसको पढ़कर। तो इसी तरीके से यहां पर जो ये ऐप रहेगा, कई बार ऐप भी आप लोग देखते हैं उन पे भी रिव्यू मांगा जाता है, तो ये जो ऐप रहेगा आप लोग रिव्यू कर पाएंगे अपने एरिया के पॉलिटिशियन को, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा इंसान निकलकर सामने आएगा कि हाँ इसको पॉलिटिशियन बनाइए, और कुछ यहां इज्जत आएगी मन में कि हाँ ऐसे पॉलिटिशियन होने चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, तो कुछ ऐसे पॉलिटिशियन निकलकर आने चाहिए। ओके, तो ये आप लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, यहां पर है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा अभी निरस्त किया गया सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये है कतर, कतर की यहां पर एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है जिसका नाम है अल जजीर, ठीक है, अल जजीरा बोला जाता है इसको, ये काफी न्यूज में रहती है कई सारे डिफरेंस न्यूज डिवीजन की वजह से, तो इसका नाम याद रख सकते हैं आप लोग, ब्रॉडकास्टिंग या न्यूज एजेंसी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ड्राफ्ट की गई अभी स्कीम अफोर्डेबल एयर ट्रेवल प्रोग्राम, जिसको उड़ान बोला गया था, अभी इंटरनेशनल सर्किट के लिए द गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई करना है रूट की कहां कहां पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर 5G स्टेयरिंग कमेटी जो कि चेयर की गई यहाँ पर सेंट, ये यहाँ पर सेंट फोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिनका नाम है यहाँ पर एजी पॉल राज, ठीक है, तो इनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट की जानी है। यूनियन मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर जो कौन से है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कौन से यहाँ पर सुरेश प्रभु जी हैं, तो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल की बात की जा रही है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था उस टाइम पर, आप लोगों को याद होगा, यानी कि अगर आप लोगों से सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो, और कोई सामान ले जाने वाला है और कोई सामान अपना देने वाला है, यानी कि अपना सामान आप लोग ले जाएंगे और जो लेके जाएगा दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक वेबसाइट या पोर्टल बनाया गया है, जो कि नेशनल और यहां पर खासकर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों के लिए फायदा करने वाला है, एक जगह सब कुछ फैसिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आप लोगों के बन जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया स्टार्टिंग मोटिवेशन कोड के बाद में। हम लोगों ने यहाँ पर एक दिन देखा जो कि है वर्ल्ड साइट डे, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना ये था वर्ल्ड एथराइटिस डे, इसके बारे में जाना। दोनों की थीम देखी, काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। एशियन गेम के बारे में जाना डिटेल में, इंडिया की क्या पोजीशन है वो हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, मिट यहां पर ये किस कंट्री की विजिट पर है, यह दुशान्बे तजाकिस्तान में, और यहां पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी काफी डिटेल देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर रोल ऑन रोल ऑफ के बारे में, जिसको रोरो फैसिलिटी बोला जाता है, डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में समझाया गया। मलेशिया कंट्री बन गई रिसेंटली जिन्होंने डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया गया है, और रिसेंटली अभी बांग्लादेश ने बहुत सारे लोगों को डेथ पेनल्टी दे डाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डिटेल में आप लोगों को समझाया गया। इसके अलावा ये लेक्चर आप लोग जाकर देखिएगा, डिटेल में यहां पर डिस्कस की गई है कई सारी बातें, लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर भी सर्च कर सकते हैं इसको, तो आप भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी चीजें। नेक्स्ट बात की जा रही है IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया है यूएसए और चाइना को जो हरकतें कर रहे हैं ये हरकतें आप लोग मत कीजिए। हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ये फ्रांस की विजिट पर है, कंट्रोवर्सी में चल रहा है रफेल डील, देखते हैं कि यहां पर नेक्स्ट जो निकल कर आ रहा है यूथ ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिले, सौरभ चौधरी के द्वारा यहां पर गोल्ड जीता गया है 10 मीटर राइफल में, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, इनका आइडिया आप लोग रख सकते हैं हल्का सा। नेक्स्ट शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया MOU देखा यहाँ पर इंडिया और रोमानिया के बीच में, खासकर टूरिज्म सेक्टर को लेके। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के बारे में, डिटेल में जाना कि क्या क्या बातें और किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन किए जाते हैं अगर कोई ऐसी एक्टिविटी निकल कर आती है, तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज थी आप लोगों के सामने ये थी स्टेट में किस किस स्टेट में शेड्यूल इलेक्शन है वो जाना हम लोगों ने। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने जाना अस्त्रा के बारे में, कहाँ से रेंज पे इसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया और कब इसको फोर्सेज में अलाउ करना है ये भी हम लोगों ने देखा, तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। एक किताब के बारे में जाना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर टाइगर जितने न्यूज में, और क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट ये था आप लोगों का जो आप लोगों को रिविजन करना है, इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वन लाइनर थे जो हम लोगों ने अभी देखे। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर को लाइक जरूर किया कीजिए अगर पसंद आते हैं, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक किया कीजिए, क्यों डिसलाइक किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। लेक्चर की PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक, और या फिर फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, दो की होगा द हिंदू का डिस्कशन, तब तक के लिए जय हिंद।